नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक पटेल एंड आज हम ट्रेडिंग टिक के एक अनदर वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, ठीक है, कि भाई अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तो यहाँ पर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट को देख के हम किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, तो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर जानकारी आपको 2 से 3 मिनट के अंदर देने की कोशिश करूंगा। तब तक दोस्तों अगर आपने पुराने वीडियो अगर नहीं देखे ट्रेडिंग के तो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दोनों का ही लिंक डाल देता हूँ और आई बटन के अंदर भी पिन कर दूंगा, ठीक है। वहां पर जाके आपको बिल्कुल देख लेना है कि यहाँ पर जो OI एनालिसिस है एंड मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तीसरा वीडियो ट्रेडिंग टिक के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेडिंग टिक यहाँ पर चलता है, सिर्फ जीमेल आईडी से लॉगिन करो, बस शुरू, ठीक है। ये वीडियो ना तो कोई स्पॉन्सर का है या ना फिर किसी भी यहाँ पर हम प्रमोशन करने के लिए वीडियो को नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए सीधा हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। अभी तक दोस्तों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते रहने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी का जो 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है एंड आज डेट हो रहा है दोस्तों 29 अगस्त 2023 को मैं यहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये जो मूव जो यहाँ पर डाउन साइड में आया देन डाउन के बाद में अपसाइड आया, दोनों का ही मूव का इशारा आपको पहले से ही मिल गया था। कैसे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कम से कम यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत हल्का सा यहाँ पर शॉर्ट होना चालू हुआ, तो ये कितना रेट है अब देखो 19,350 के करीब करीब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा एंड ये आप देख सकते हो कि हल्का सा यहाँ पर डाउन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग टिक पे चले जाएंगे। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो यहाँ पर आपको लिखना है गूगल के अंदर ट्रेडिंग टिक, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेडिंग टिक लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा ये वाला वेबसाइट है एंड यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके मैंने लॉगिन करके रखा है, सो मुझे लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले चले जाना है यहाँ पर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, ठीक है। हमारा यही आज का टॉपिक है लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। निफ्टी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि 19,350 के अंदर यहाँ पर जो पुट यहाँ पर चला, ठीक है, 19,350 इसका जो पुट चला वो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पुट के अंदर क्या सीन हुआ था। तो इस पुट के अंदर देखो यहाँ पर सीन ये हो रहा था कि करीब करीब 1:30 बजे के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जिन्होंने भी पुट को बेच के रखा था उन्होंने यहाँ पर पुट को क्या किया है, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 19,350 के पुट के अंदर 1:40 से लॉन्ग बिल्डअप होना चालू हुआ, शॉर्ट कवरिंग होना चालू हुआ। मतलब ये लॉन्ग ये आपका शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग बिल्डअप, अगर आपके इसके बारे में नहीं पता तो दोस्तों कॉमेंट करिए, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर कॉमेंट आएगा तो मैं बिल्कुल इस वीडियो को भी बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप ये सब आपको नहीं पता तो मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बना दूंगा एकदम आसान लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ, तो ये पुट के अंदर मतलब लॉन्ग होना मतलब कोई पुट को बाय कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, पुट को कोई बाय कर रहा है। दैट मींस यहाँ पर देखो आप यहाँ पर 1:30 पे 1:50 पे 1:55 2 बजे तक यहाँ पर क्या हुआ, एक पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप जनरेट हुआ, मतलब पुट को कोई ना कोई खरीद रहा था, ठीक है, 2 बजे तक। देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट जो गिरा है भाई जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो इसी दिन यहाँ पर एक W पैटर्न, एक डबल बॉटम क्रिएट करके डबल बॉटम के बाद यहाँ पर मार्केट उठ गया, ठीक है। ये 3 बजे के बाद का मूव है, आप देख सकते हो। जनरली अगर एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा मूव मिल गया तो काफी आपका प्रॉफिट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये मूव कहाँ से शुरू हुआ है, 3 बजे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक स्ट्राइक प्राइस कौन सा है यहाँ पर, तो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है करीब करीब 19,300। देखो यहाँ पर हम 19,300 में चले जाएंगे। उसके पहले आप देखो यहाँ पर कि 3 बजे के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जिन्होंने भी पुट को यहाँ पर लॉन्ग किया था उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद में लॉन्ग अनवाइंडिंग देन शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। लास्ट में शॉर्ट बिल्डअप आए इसका हमें कोई मतलब नहीं है, 3:30 का यहाँ पर आपको काउंटिंग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 19,300 के कॉल में क्या हुआ था, 19,300 का कॉल हम यहाँ पर देखेंगे। तो 3 बजे के बाद यहाँ पर क्या सीन हुआ था, देखो यहाँ पर जिन्होंने भी कॉल को यहाँ पर शॉर्ट किया था, ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया था उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर कर लिया। मतलब एक पुट को नीचे की ओर जिन्होंने भी शॉर्ट किया होता, मतलब कॉल अगर नीचे जाता है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट किया जाता है तभी वो नीचे जाता है। अगर वो नीचे गया है उसके बाद में अगर शॉर्ट को कवर कर लिया गया, ठीक है, तो वो वाला पुट और कुछ भी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, FNO का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसके अंदर शॉर्ट कवरिंग का मतलब वो उठेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2:55 पे यहाँ पर क्या रेट था, 70। 3 बजे क्या रेट आया, 68।
एंड 3:05 पे 74, 75, 74, 79 ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर 10 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो इसी तरीके से आप लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो वीडियो बनेगा यहाँ पर आपका कॉल वर्सेस पुट ओआई एंड ट्रेंडिंग ओआई के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल दोस्तों भूलना नहीं, और अपने सारे के सारे दोस्तों के अंदर फैला दीजिए और दोस्तों दबा के लाइक छोड़ दीजिए ताकि ऐसे वीडियो में आपके लिए दूसरा भी ला सकूं। थैंक यू वेरी मच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।